कभी फूल नहीं करते। कमेंट करके बताना ऐसा आदमी क्यों करता है जब सब्जी भी होती है और अचार के साथ आदमी खाता है। राधे राधे। सो आज काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, ड्यूटी होती है। ड्यूटी में क्या व्लॉग बनाऊँ, सुबह जाती हूँ शाम को आ जाती हूँ, कुछ बनाने को होता नहीं है। सो आज है सैटरडे और आज मेरा है ऑफ, तो मैं सोचा आज अपना डेली रूटीन दिखाती हूँ मम्मी जी के साथ, मतलब सासू माँ के साथ। सो अभी बज रहे हैं थोड़ा टाइम, वट इज़ द टाइम, आई डोंट नो, आई थिंक 10:30 11 ओ क्लॉक ऐसे। और मैं उठी थी 8:30, झूठ की बोलू थी, जल्दी उठ गई थी, क्योंकि और दिनों में उठ जाती हूँ 4:30, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। मम्मी भी मेरी हेल्प करती हैं, पर 4:30 उतना ही पड़ता है, क्योंकि 6 o'clock में चले जाती हूँ ड्यूटी। सो लंच बना के लेके जाती हूँ, ब्रेकफास्ट बना के लेके जाती हूँ, तो टाइम लग जाता है। सो सैटरडे संडे होता है कि मैं आराम से उठूँ, सो मैं लेट से उठती हूँ। पंकज भी उठ गए हैं, मम्मी भी उठ गई हैं, मतलब कब का उठ गए थे, अभी खाना भी बन गया हमारा, मैंने खा लिया है और इन्हें किसी ने नहीं खाया। लास्ट में उठे थे पंकज, पर कभी फोल्ड नहीं करते, अब मैं करूँगी इसको फोल्ड। और यहाँ पे बन रहा है हमारा चावल, ढक्कन नहीं लगाया मम्मी ने, क्योंकि ये ना कुकर ख़राब हो गया है, इसमें पता नहीं क्या हो गया है, या सीटी नहीं लगती है, तो इसको हम यूज़ करते हैं चावल बनाने के लिए। इसमें बन गई है मिक्स दाल, ये ब्रेकफास्ट और लंच होगा मेरे लिए, नहीं मैंने तो पोहा खा लिया था। और ये बनाई है भिंडी, और ये है रायता, और इसमें आपको जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये मम्मी ने डाला है राई, राई पीस के। मैंने खाया था पोहा, जो कि थोड़ा सा बचा भी हुआ है। कहाँ है, कहाँ गया, ओह माय गॉड, खा दिया क्या किसी ने। इधर है। सो ये बचा हुआ पोहा है, मैंने यहाँ तक खा लिया था, बचा, अगर मुझे भूख लगेगी तो बाद में और खा लूँगी, वैसे भी मैं दाल चावल खाऊँगी। बाकी टीवी देख रहे हैं मम्मी, पंकज दोबारा से सो गए, झूठ कर रहे हैं, झूठा मूठा सोने का बहाना कर रहे हैं। क्या है, से हाय, से हाय, से हेलो वन टू एवरीवन। हेलो एवरीवन, आज शैलजा बहुत दिनों बाद होश में आई है, इसीलिए इसने मोबाइल पकड़ा है। हाँ, देखता हूँ कितने दिन बाद और आपको दूसरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। पंकज वहाँ से उठे जहाँ मैंने आपको दिखाया था बिस्तर, वैसे छोड़ के अभी यहाँ आके सो गए हैं मम्मी का कंबल ओढ़ के, और यहाँ देख रहे हैं टीवी ये लोग, उसके बाद हम करेंगे लंच। तो लंच आ चुका है, लंच में है आज येलो दाल, राइस, भिंडी कुछ अजीब सी लगती हुई, और पतला रायता। ये क्या है, ये कल रात की आलू की स्पेशल सब्जी, ओवरनाइट लोहे की कढ़ाई में थी तो इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी। और ये मेरी बड़ी माँ के घर से आया हुआ स्पेशल घी, टरन 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 टरन। जब भी ये मैं खाता हूँ मैं बनवे साहब में बहुत याद करता हूँ, क्योंकि ये मेरी ताई जी के घर से आया हुआ घी है। और ये नमक मेरी दीदी ने दिया था, मेरी रियल दीदी ने नहीं, उसको तो कुछ काम नहीं आता। ये एक मीना दी है, उन्होंने दिया मेरा टुरु 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 टुरु। और ये इतना हो गया, ये दो महीने हो गया ना, मैं इसको दो ढाई महीने में इतना ख़त्म कर दिया मैंने नमक। सोचो कितना नमक खाता हूँ, क्योंकि मैं सब्जी नहीं है तो रोटी के इसी के साथ खा लेता हूँ। और क्या बोला तूने अभी, ओ मतलब मैं नमक के साथ नहीं खाता हूँ क्या, फिर भी मैं नमक खाता हूँ क्यों। कमेंट करके बताना ऐसा आदमी क्यों करता है जब सब्जी भी होती है और अचार के साथ आदमी खाता है। समझने वाले समझ गए, समझदारों के लिए इशारा ही काफी है, सब्जी होते हुए भी मैं इस नमक के साथ खाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं अपना लंच और मिलते हैं उसके बाद। खाना खाने से पेट नहीं भरा,
ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। पंकज ने चने का डब्बा पूरा खत्म कर दिया। पंकज ने क्या खत्म हुआ? तो पंकज ने किसने खाया? मैंने 10-12 चने खाए, 10-12 चने में डब्बा खत्म हो गया। 10-12 चने कल मैं जब आई थी तो कोई वीडियो देख रहा है इसको चने थोड़े डोनेट कर देना, तो घोड़ों की तरह चने चाहिए दिन भर। तो अभी टाइम हो रहा है 1 o'clock और पंकज ने मुझे पता, मैं इतने आराम से लेटी हुई थी, बोला कि उठ तैयार हो चल जाते हैं सब्जी लेने। यार 1 बजे कौन सब्जी लेने जाता है? 40 टेम्परेचर आज तो फिर भी कम है टेम्परेचर, अदरवाइज मोर देन 45 रहता है अदर डेज में, पर आज अभी मैं देख रही थी 40 है, आज थोड़ा कम है शायद। हम पहुंच चुके हैं अपने रेगुलर मॉल WTC मॉल, जो कि हमारे घर से काफ़ी नज़दीक है। मुझे लग रहा है कि हम डे टू डे जाएंगे, पर पंकज यहाँ लेके आ गए। हमारा बाथरूम बिजी था तो शैल यहाँ WTC में आ गई, इतना नज़दीक है सोचो। मैं पकड़ती हूँ, लाओ थोड़ा। जब कार में पहुंची तब ड्रामे करे थे, तो पहले भी लाओ थोड़ा। तो मैं ऊपर भी बोली थी, आपने मुझे दिया ही नहीं है। मैं बोला तूने पकड़ती? क्यों नहीं बोला? आपने बोला पकड़ने के लिए, पकड़। मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये शैल ने सामान पकड़ लिया है और गाड़ी है बहुत दूर, ठीक है। ये सामान पकड़ लिया और ये गाड़ी में पहुंच भी गई है। देखो इतना दूर के लिए इसने सामान पकड़ा मुझसे, ये देखो 10 मीटर भी नहीं होगा इतना दूर इसने सामान पकड़ा। कितना भारी काम किया होगा इसने। पंकज ने वो चने का डब्बा पूरा खत्म करके अब नया अभी लेके आए हम मॉल से, वो भी पूरा खत्म करने वाले हैं अब। तू मेरा वीडियो क्यों बना रही है? तो क्या करूं मैं? चल शैलू को ना अभी सडनली माइंड में कुछ आया, इसको कुछ खाना है। क्या खाना है बता? लड्डू। कौन से वाले लड्डू? 15 अगस्त वाले। इसको अबू धाबी दुबई में खाने 15 अगस्त वाले लड्डू, और मैंने इसको वादा किया मैं खिलाऊंगा। कब खिलाऊंगा? पंकज बोले 15 अगस्त तो आने दे। हां तो 15 अगस्त के लड्डू जो 15 अगस्त आएंगे तभी खिलाएंगे ना, उससे पहले कहां से? तो आज कैंसिल हो गया, 15 अगस्त का इंतजार करो फिर लड्डू मिलेगा। मिलते हैं वो लड्डू तो ऑर्डर कर ले। 56 भोग से मिला था। 56 भोग कोई है 56 भोग में काम करने वाला जो हमें डिस्काउंट दे दे यार 15 अगस्त के लड्डू में अभी से। तो अभी बज रहे हैं शाम के नहीं रात के 9 बज रहे हैं और मम्मी बना रही खाना। आजकल जब से मम्मी आई है तो मेरा बहुत आराम हो रहा है, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मम्मी पहले कौन सा कुछ करती थी? पहले मैं बना रही थी, जब से मम्मी आ रही है तब से बनाते हैं। मम्मी का वीज़ा भी ख़त्म होने वाला है तो वो चले जाएंगे, फिर मुझे बनाना पड़ेगा। देखते हैं क्या बना रहे हैं। तो हमारे डिनर में आज बन रहा है प्याज में दही डाल के सूप वाला, और बनेगी रोटी, फिर हम खाएंगे। सो हमारा डिनर रेडी है, प्याज की दही वाली सब्जी और रोटी, उस पर लगा है घी। मम्मी अपने लिए बना रही है, मम्मी ने हमको दे दिया, पहले बच्चे फिर माँ बोला। बहाना खुद ने बना रही इसलिए। खा ले बेटा खा, जब तक मेरी इजाज़त आ जाए खा, वो बात मिला खाना मिला लो वो बाद। मैं बनाऊंगी पवन पहाड़ी जनी टोस्ट ब्रेड खाऊ लो वो बाद में। और यूट्यूबर शैलजा बैठी है दूध पीने के लिए, और उसको इतनी बड़ी ग्लास में उसकी सास ने दूध दिया है, वो पी नहीं पा रही है इतनी बड़ी ग्लास। दिखाओ ग्लास, दिखाओ ग्लास, दिखाओ। अरे ऐसे करके दिखाओ, ये देखो इतनी बड़ी ग्लास की मेरा अंगूठा उसके सामने छोटा लग रहा है, इतना दूध है। हाँ उसमें से भी 2 घूंट मैंने पिया। कुछ कहना चाहेंगी आप? बहुत कुछ कहना चाहूंगी। बोलो। बच्चे पालने बड़े मुश्किल है, कठिन है इसकी तरह से। चलो एक बार पी के दिखाओ। शाबाश शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। चलो चलो जल्दी करो यार। देखो फेशियल एक्सप्रेशन देखो। बोलो मैं तो अफसोस है, ये दूध के लिए इतना कर रही, दूध जैसी चीज
बोलो आप कुछ बोलना चाहोगे बोलो। मीठा ज्यादा हो रहा है तब मैं नहीं पी पा रही हूँ। मिठाई तो अगर जगह थोड़ी है उसमें। ड्रामे देखो ड्रामे। कल पक्का पीऊंगी। नहीं पीना चाहिए। हाँ कुछ भी नहीं कहना चाहिए। क्या दूध पीना चाहिए? हाँ। तो पियो फिर चलो। तो बचपन में पीना चाहिए। तो आपकी कौन सी उम्र हो रही है अभी? मैं 28 लगने वाला मुझे दो दिन बाद शैलजा का बर्थडे। आप बर्थडे में क्या गिफ्ट देंगे? आप क्या गिफ्ट देने वाली हैं शैलजा को? चलो कल मार्केट जाएंगे गिफ्ट सोचेंगे। कल शैलजा का गिफ्ट सोचेंगे आज दूध फिनिश करने के बाद। अच्छा कंडीशन ये है कि दूध फिनिश होगा तभी गिफ्ट आएगा। तो मैं पी रही हूं अभी तो। मैं गुड़गुड़ पियो यार। चलो बंद करो नाक बंद करो। चलो तो शैलजा ने कर दिया दूध खत्म। नहीं हुआ है दूध खत्म नहीं हुआ। जल्दी करो फिर वीडियो खत्म करना है। जल्दी कर यार ठंडा हो गया अब। हाँ तो ठंडे में गैस नहीं होती और अच्छा है। तो दोस्तों इसी के साथ शैलजा ने कर दिया दूध खत्म और हम यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। तो शैलजा आप क्या बोलना चाहेंगे? बोलो यार कुछ तो बोलो। कल से मैं चीनी थोड़ा कम डाल के फिर पीऊंगी। और देखो शैलजा की बिल्ली वाले मूछे। तो इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। आप प्लीज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर इस वीडियो में 15 सब्सक्राइबर आ गए तो कल एक बड़ा ग्लास दूध पियूंगी। बोलो। हाँ ठीक है ठीक है ओके चलो बाय बाय राधे राधे।